हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल इंडिया टूर इस चैनल में हम बात करेंगे जो मुझे रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक रीबॉर्न जो मैंने परचेज करी है 15 अक्टूबर 2021 को जस्ट एग्जैक्टली थ्री मंथ्स बिफोर मुझे इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और मुझे कस्टमर केयर का कैसा रेस्पॉन्स मिला उस बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा मुझे जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगा सबसे बड़ा जो मेरे को प्रॉब्लम फेस हो रहा है वो है मेरे पेट्रोल टैंक से पेंट निकल रहा है अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे ब्लैक पैचेस दिखाई दे रहे हैं ताकि सनलाइट में प्रॉपर दिखे इसलिए मैं यहाँ पे सनलाइट के अंदर वीडियो बना रहा हूँ धूप में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचे तो अगर आपको ये ब्लैक पैचेस दिख रहे हैं और ये पैच दिख रहा है और ये पैच दिख रहा है तो रॉयल एनफील्ड के टैंक जो कि बाइक इतनी महंगी बाइक है टू लैख फिफ्टीन थाउजेंड नाइनटीन थाउजेंड की बाइक है बेसिक मॉडल उसके बाद इसका टू सिक्सटी टू सेवेंटी ऑन रोड प्राइस पड़ेगा आपको विद लोन एंड ऑल इतनी महंगी बाइक होने के बाद इसके पेट्रोल टैंक में से ऐसा कलर निकलना ऐसे पैचेस पड़ना बहुत प्रॉब्लम है तो ये चीज़ मुझे बहुत खटक रही थी बहुत दिनों से मैं सोच रहा था इसके बारे ऊपर वीडियो बनाऊँ क्योंकि ये मैंने नोटिस किया है अप्रॉक्सीमेटली टू थ्री वीक्स पहले टू थ्री वीक्स पहले से मैंने ये नोटिस किया है इसमें पैचेस बढ़ते जा रहे हैं पहले एक पैच था यह छोटा सा उसके बाद धीरे धीरे ऑटोमेटिक बढ़ते जा रहे हैं मैंने गाड़ी के ऊपर कोई सामान नहीं रखा है कुछ ऐसा लोड नहीं डाला जिससे ये पैचेस पड़े अब ये पैचेस क्यों पड़ रहे हैं किस लिए पड़ रहे हैं इसके लिए मैंने सर्विस uh, सेंटर में भी बात करी थी और मैंने कंपनी को ईमेल भी लिखा था तो मुझे उनके सर्विस सेंटर से रिस्पॉन्स आया था कि बाइक आप आकर के एक बार चेक कराइए तो आज मैंने बाइक चेक कराई तो उन्होंने पूरे डिटेल्स वीटेल्स ले लिए है मेरी बाइक के और उन्होंने बोला है कि वो लोग अप्रूवल uh, के बाद इस टैंक को रिप्लेस करेंगे ये पूरा टैंक रिप्लेस होगा लॉक सेम ही लगाएंगे ताकि मेरे को इग्निशन वगैरह का प्रॉब्लम ना हो ये टैंक चेंज करके मेरे को देंगे उसके बाद तो मैं, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बराबर है पैचेस पड़ रहे हैं पेन निकल रहा है दैट इज ट्रू लेकिन रॉयल एनफील्ड कस्टमर केयर का इतना अच्छा रिस्पॉन्स मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे लगा था वो लोग इसी को रिपेयर करके देंगे या कुछ और बोलेंगे लेकिन उन्होंने जब मुझे बताया लास्ट उनके मैनेजर ने दे विल रिप्लेस द टैंक दे विल प्लेस अ ऑर्डर पूरे मॉडल अगर क्योंकि ये गाड़ी वारंटी में है इसलिए दे विल प्लेस द ऑर्डर एंड दे विल रिप्लेस इट दे विल रिप्लेस द टैंक कम्प्लीट टैंक तो मेरा ये टैंक एक वीक के अंदर नया आ जाएगा तब ये लोग लगा करके दे देंगे एज सच मुझे एक और प्रॉब्लम आ रही है बाकी और कुछ प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं दूसरी प्रॉब्लम की बात करूँ तो सबसे बड़ा मेरे को इसका ड्रॉबैक लगा इसका ये मीटर गेज डिजिटल मीटर के अंदर जो पेट्रोल का जो गेज है जो रीडिंग है ये बहुत अनसर्टेन है अगर आप बोलोगे कि ये परफेक्ट दिखाएगी आपकाजम्पन रहेगा तो ये बिल्कुल गलत है ये ट्रिप आप कितने भी ट्रिप कर लो ये बहुत जल्दी ट्रिप एफ दिखाने लग जाता है ट्रिप एफ मतलब आपकी गाड़ी रिजर्व में है हालांकि आपकी गाड़ी में पेट्रोल रहता है लेकिन फिर भी यह ट्रिप एफ दिखाना शुरू कर देता है तो अगर आपकी गाड़ी में चार लीटर का पेट्रोल बचा है तो वहाँ से यह ट्रिप एफ़ दिखाना शुरू कर देगा मैंने इसको फुल कराया था टैंक फुल कराया था आठ सौ में टैंक फुल हो गया था और वो हट गया था ट्रिप एफ बट सडनली जब मैंने ऑब्जर्व किया तो ग्यारह लीटर बारह लीटर के टैंक बारह लीटर का टैंक है उसमें से आठ लीटर में मैंने इसको फुल करा था उसमें आठ लीटर खत्म होते ही ट्रिप एफ लग गया था ट्रिप एफ मतलब इसमें रिजर्व का नॉब नहीं रहता अगर आपकी गाड़ी में ट्रिप एफ लग गया है तो इसका मतलब गाड़ी रिजर्व में आ गई है तो और आपको जल्दी से जल्दी पेट्रोल भराने की जरूरत है तो चार लीटर पेट्रोल रहता है चार लीटर पेट्रोल में चालीस के माइलेज के हिसाब से हम बोले तो ये एक किलो एक किलोमीटर आपको फिर भी चलेगी लेकिन उससे पहले पहले आप इसमें पेट्रोल डला दें सेफ्टी रीजन से ताकि आपको गाड़ी का प्रॉब्लम ना हो तो ये जो प्रॉब्लम मेरे को फेस हो रही थी उसके बारे में मैंने बनाया है वीडियो ये पैच जो हो रहे हैं और ये मीटर रीडिंग है इस मीटर रीडिंग को आप बिल्कुल भी कंफर्टेबली मत लीजिए ये एग्जैक्टली exactly वैसा ही है जैसा हमें थंडरबर्ड में मिला था तो इसका एश्योरेंस मैं मैं इसको कैलकुलेट करके नहीं चल रहा हूँ देखो अभी मैंने तीन सौ रुपये का पेट्रोल डलाया था सिर्फ और ये यहाँ तक दिखा रहा है अभी मैं इसको राइड करना शुरू करूँगा ये ऑटोमेटिकली दो और तीन पे आ जाएगा तो इस मीटर रीडिंग के ऊपर आप बिल्कुल भरोसा करके ना चलें अपने एजम्पन से चलें जब भी ट्रिप आ जाए ट्रिप एफ लग जाए आप पेट्रोल जरूर भरा लें पेट्रोल अच्छा क्वालिटी का भराएं ताकि आपकी गाड़ी की लाइफ अच्छी हो Thank you.